हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे बढ़िया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 14,000। दोस्तों, अगर आपका बजट है 14,000 रुपये तो इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों आपको बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन नहीं लेना दोस्तों तो आपको कैमरा स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन और अच्छी बेस्ट रैम और स्टोरेज देखने को मिले तो ऐसा स्मार्टफोन भी आपको इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम गेमर की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों इन स्मार्टफोन में। तो अगर आप फ्रेंड गेमर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। इसलिए फ्रेंड इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर जुड़े। और दोस्तों, जो कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर जो दोस्तों गेमर यूज़र नहीं है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा कैमरा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी काफी बड़ी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट चार्जर, बड़ी बैटरी, सारे स्पेक्स स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं और काफी बेस्ट स्पेक्स इन स्मार्टफोन में है फ्रेंड। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन्स तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो दोस्तों, वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे गेमर्स के लिए जिनको काफी पावरफुल गेमिंग करना है, जायरोस्कोप में गेमिंग करना दोस्तों उनको लेग इशू कुछ भी नहीं चाहिए, गेमिंग रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं चाहिए, तो उनके लिए हम पहले गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। फिर हम दोस्तों 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जो कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उनको भी दोस्तों यहां पर 2-3 ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। दोस्तों, अगर आपका बजट है कम तो दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 13,000। उसमें दोस्तों आपको काफी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों चैनल पर जाकर, या फिर दोस्तों आपको आई बटन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों आपको 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी बैटरी और काफ़ी बड़ा कैमरा भी देखने को मिलेगा, साथ ही काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हायर रेफ्रिजरेट सपोर्ट और दोस्तों काफ़ी बढ़िया इसके रैम और स्टोरेज भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G40 फ्यूजन। इसके दोस्तों मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रेफ्रिजरेट सपोर्ट, साथ ही दोस्तों आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम इसके कैमरे की बात करें तो ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जो है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 20 वाट का फास्ट चार्जर। मेन इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एक लैग फ्री प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलेगा और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके वेरिएंट की बात करें तो 2 वेरिएंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं, जो है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, मेन इस पॉइंट की बात है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल रही है फुल HD रेजोल्यूशन वाली और साथ ही दोस्तों हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और दोस्तों जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा काफ़ी कमाल का है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बैटरी है। दोस्तों, मेन प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो जो 732G है इसमें आप कमाल की गेमिंग कर पाएंगे और काफ़ी फास्ट स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और दोस्तों नेटफ्लिक्स वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसकी मेन प्राइस की बात करें फ्रेंड तो 4GB RAM 64GB वाला वेरियंट आपको 14,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा और 6GB RAM 128GB वाला वेरिएंट 15,999 रुपये में। तो दोस्तों, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। अब फ्रेंड जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे, ये एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ आता है फ्रेंड, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है, बेस्ट स्मूथ एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप और काफ़ी बेस्ट इसके रैम और स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड ये स्मार्टफोन निकल गया था रियलमी की तरफ से, रियलमी 8
फ्रेंड्स की मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एलईडी रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही 16 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेट सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसकी कैमरे की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में, जो कि प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी और इसके साथ 30 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। मेन परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के फ्रेंड आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड तो आपको काफ़ी बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फ्रेंड काफ़ी बेस्ट कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी आपको। 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसमें आप बेस्ट क्वालिटी की इमेज क्लिक कर पाएंगे फ्रेंड, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है और जो मीडियाटेक हीलियो G95 है ये एक गेमिंग चिपसेट है फ्रेंड। अगर आप हाई ग्राफिक्स में गेमिंग करना चाहते हैं फ्रेंड तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। गेमिंग रिलेटेड आपको कुछ भी इशू इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड इसकी मेन प्राइस की बात करें हम तो जो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये 14,499 रुपये में देखने को मिलेगा। 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,499 रुपये में और 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,499 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड आप अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा हो तो अभी हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे पावरफुल परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन हैं जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम सीधा नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन है फ्रेंड। इसमें आपको पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेडमी की तरफ से स्मार्टफोन निकल कर था रेडमी नोट 10। तो फ्रेंड इसके मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर और फ्रेंड इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 679 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है और दोस्तों इसमें आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का वर्जन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जो है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे और जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको सुपर एमोलेड वाली फुल रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स से यूट्यूब वगैरह वीडियो देखते हैं या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें कैमरा दिया हुआ है, एक कैमरा काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है तो इससे आप अच्छी खासी इमेज क्लिक कर पाएंगे और दोस्तों एक बैटरी काफ़ी बढ़िया है, इसके साथ जो फास्ट चार्जर है काफ़ी जल्दी दोस्तों इस बैटरी को चार्ज कर देगा। मेन दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो जो स्नैपड्रैगन 678 है एक काफ़ी पावरफुल चिपसेट है दोस्तों। अगर आप गेमिंग वाइज इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेस्ट बना देता है ये प्रोसेसर। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हैं तो जो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है 12,499 रुपये में आप इसे बाई कर पाएंगे। अभी इसकी प्राइस अमेजोन पे 12,499 रुपये है और जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 14,499 रुपये। तो दोस्तों आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन के वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन सही लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं ये एक नॉन चाइनीज डिवाइस है और दोस्तों अगर आपको सैमसंग के ब्रांड पसंद है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्मार्टफोन ये होने वाला है 14,000 रुपये की प्राइस में, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड, साथ ही दोस्तों इसके साथ आपको काफ़ी बड़ा कैमरा देखने को मिल रहा है और दोस्तों बड़ी बैटरी के साथ पावरफुल चिपसेट और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रैम और स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग F41।
फ्रेंड इसके मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंचेस का फुल एचडी वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा बैक साइड में। इसके कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जो है प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें फ्रेंड तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इसकी बैटरी 6000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके मेन परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि प्रोसेसर की तो इसमें आपको एक्सिनोस 9611 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। तो फ्रेंड इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रेंड ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है फ्रेंड सैमसंग की तरफ से, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा दोस्तों इस सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का, अलग से आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे। और फ्रेंड प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरा। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों जो एक्सिनोस 9611 का जो प्रोसेसर है इसमें आप काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों, पबजी फ्री फायर जैसे गेम को दोस्तों आप हाई ग्राफिक्स में इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। और दोस्तों अच्छी खासी आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड फाइनली इसकी प्राइस की बात करें तो जो 6GB रैम 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है ये आपको 13,999 रुपये में देखने को मिलेगा यानी कि 14,000 रुपये में। और फ्रेंड जो 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज आपको 14,500 रुपये की प्राइस में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों 500 रुपये का फर्क है जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग की तरफ से बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 14,000 की प्राइस में तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसमें आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और दोस्तों एक अच्छी खासी डिस्प्ले और बढ़िया सा कैमरा और अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं Realme 8 5G के बारे में। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही 90Hz का रेफ्रेश रेट सपोर्ट और दोस्तों साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जो है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 मिली एमपीआर की बिग बैटरी। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और दोस्तों इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का वर्जन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे और दोस्तों ये वेरिएंट अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रेंड ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन है, साथ ही आपको अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है और काफ़ी बढ़िया कैमरा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 14,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है और 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,000 रुपये के सेगमेंट में, और दोस्तों जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये आपको देखने को मिलेगा 17,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में। तो फ्रेंड अगर आप मिड रेंज सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये थे फ्रेंड आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। अभी भी आपको स्मार्टफोन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्मार्टफोन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड मिलता होगा अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।